जय श्री राम साथियों, हिंदू धर्म में बहुत से रीति रिवाज, संस्कार व संस्कृति है जिनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी है, पर लोगों को इनके रहस्य पता नहीं होने के कारण इनको झूठा समझा जाता है। साथियों, हमने पहले भी हवन, चरणामृत, जनेऊ, मृत्यु, नमस्ते, चाक पूजन आदि के रहस्य के बारे में बताया है, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, करते हैं आज के विषय पीपल पूजन के बारे में बात। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली हुई है और इसका विधि विधान से पूजन आरंभ हुआ। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है। सोमवती अमावस्या या शनिवार के दिन पीपल पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया है। साथियों, शास्त्रों में भी बताया गया है कि शनिवार के दिन या सोमवती अमावस्या के दिन शनिदेव व पीपल की पूजा की जाए तो शनि के साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाता है। तो साथियों, ये तो थी धर्म शास्त्रों की बातें, और अब जानते इसके पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्य व औषधीय रहस्य के बारे में। साथियों, इससे न केवल धर्म संसार से जोड़ा गया बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी पीपल का पेड़ कई तरह से फायदेमंद है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पीपल के द्वारा ही उत्सर्जित होती है। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पीपल के जड़ से लेकर पत्तों तक में रोग निवारण की अद्भुत क्षमता है। सांस लेने में तकलीफ, गैस या कब्ज, त्वचा रोग, जुखाम, नक्सीर, फटी एड़िया, पीलिया, हकलाना आदि बीमारियों में आयुर्वेद के अनुसार पीपल के पेड़ का बहुत ही महत्व है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पीपल के औषधीय गुणों का महत्व बताया गया है। पीपल में इतने गुण होने के कारण इसको हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों ने धर्म व पूजा से जोड़ा, ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान व आस्था बढ़े और इसे काटे नहीं। इसी कारण से साथियों, हमारे धर्म में पीपल पूजन का महत्व बताया गया है। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।